चलिए यहाँ पे अब हम इंग्लिश का करते हैं। ऑलरेडी हम हिंदी का बना चुके हैं, नीचे आपको हम लिंक भी दे देंगे हिंदी का। तो यहाँ पे आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर से आप अगर इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ईजी था, उतना भी टफ नहीं था। देखिए आप कट ऑफ कैसा जाता है। खैर आइए हम स्टार्ट करते हैं, तो मैच कर लीजिए जल्दी जल्दी। फ्रेंडली, फ्रेंडली का क्या होता है, इसको साइनोनिम्स ढूंढना है। तो फ्रेंडली मित्रता होता है, तो एमिएबल होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एमिएबल। हॉस्टाइल मतलब शत्रुता होता है, मित्रता नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, टोमेटो इज द हाईली कमोडिटी इन द वेदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, दो पेरिशेबल। एक बार आप गूगल भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा है। यहाँ पे देखिए, दोज पीपुल हैव डैश क्या हो जाएगा, तो ए लॉट ऑफ मनी होता है, यानी कि उस पीपल लोगों के पास क्या था, मतलब मात्रा, मनी की मात्रा अत्यधिक थी। फिर यहाँ पे क्या है, मेक हेस्ट लेस्ट यू डैश शुड नॉट गेट हो जाएगा, शुड गेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका शुड गेट हो जाएगा। फिर है टू लॉस एक्यूर्ड डैश मी फ्रॉम दिस ग्रॉसरी शॉप, तो यहाँ पे आपका आंसर टू है, वो सही है। द हाउस वाज डैश रिवर एंड रेलवे स्टेशन, जो हाउस था वो क्या था, तो उसके कहाँ पे था, तो उसके रेलवे स्टेशन और नदी के बीचों बीच था उसका घर। चलिए नेक्स्ट, श्याम डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हैड वॉश्ड हो जाएगा। डिड ही जस्ट डैश मी ए लायर, तो कॉल मी ए लायर, यहाँ की क्या है, उसने उसको झूठा, तो कॉल मी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, इट गिव्स हिम इमिनेंस प्लेजर डैश हर टू प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इन्वाइट हर, मतलब अपने प्रोग्राम में वो क्या करते, तो उसको इन्विटेशन दे, टू इन्वाइट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द स्मॉल ब्रांच, तो स्मॉल ब्रांच का यहाँ पे स्टिक नहीं, ट्वीग होगा, क्या हो जाएगा, तो ट्वीग होगा। चलिए तो ये रहा पैसेज, आपने पैसेज बनाया ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट के नंबर थे पैसेज, जैसा कि हम आपको कितने सारे कोई कोई वीडियो में हम करवाए हुए हैं मिनी मॉक में। मिनी मॉक अगर आप देखते होंगे तो पैसेज कैसे सॉल्व किया जाए वो हम बताए थे। तो इस पैसेज को पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, द टेडिक माइल्स एवरी डे मोर स्कूल, तो वो कितने में कितने मोर स्कूल, वो कितने कितने बार चलता था, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मैं आंसर्स दिखा दूँ, ये रहा गुड डील मील, थ्री मील क्या हो जाएगा, तो आंसर इज थ्री, आंसर क्या हो जाएगा, तो थ्री। इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे आंसर्स इसमें ऑलरेडी हैं। ही वॉज द क्विक स्टूडेंट, दिस मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये रहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिच द स्कूल लिविंग एज। फिर है क्या है कि एलेक्स बिकम रिच, तो रिच धनी कैसे बनता है, तो शेयर इन द लेगेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड द 12 एज में प्रिस्क्राइब द मोर स्कूल, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट मींस द चिल्ड्रन वॉच, तो थोड़ा मैं भी पढ़ लूँ एक। चलिए तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अलाउड टू द रिमेन द स्कूल ऑफ द एज ऑफ 12, आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो ये रहा, मैं इसका आंसर्स भी आपको बता दूँ कहाँ पे है ये। उसके पास क्या था, इकोनॉमिक रीजन था, क्विक स्टूडेंट्स ये रहा, देखिए 12 है, तो ये वाला आपका आंसर्स रहा। फिर यहाँ पे है द वर्ड ऑफ द लिगेसी कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये, यहाँ पे देखिए ही इज द क्विक स्टूडेंट है ना, तो इसमें फास्ट लर्नर होगा। आप अगर पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा तो देख लीजिए कि इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स आते हैं। अगर आपको वैसे तो ये हमारा आंसर्स था, और आपका बोर्ड का क्या आंसर्स आता है, यानी कि बिहार बीएड वालों ने क्या आंसर्स दिया है वो है, लेकिन आप यहाँ पे एग्जैक्ट वही, आपका एक से दो इधर रहता है, बाकी एग्जैक्ट वही रहता है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन हम आपको बनाकर डालेंगे, तो फिर तब तक आप मिलाइए हिंदी और इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।